हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो आज माधव की रसोई में क्या बना है, दोपहर के लिए लंच में मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सभी को राधे राधे, राधे कृष्णा। सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज दोपहर में क्या बना रही हूँ तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो बनाते हैं अपनी लंच दोपहर में, जो हम खाएंगे वही हम बना रहे हैं। तो चलो बनाते हैं, तो मिलते हैं, हम हैं तो किचन में ही। तो ये देखो आपको कितना सुंदर लग रहा होगा, ऊपर इधर उधर, ठीक है तो मिलते हैं। तो ये है हमारे पास में 1 कटोरी आटा, तो इससे हम बनाएंगे मक्के की रोटी और मूली डाल के। तो हमने आज सुबह बनाए थे मूली वाले परांठे, तो उसमें से हमारा नाश्ते में सुबह मूली के पराठे बनाए थे। तो अब मैं बना रही हूँ मूली और मक्की की रोटियाँ। तो कैसे बनाऊँगी इसको, मैंने इसमें सारे मसाले मिले हुए हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नमक, मिर्च और इसमें ये हरी मिर्ची भी मैंने काट के डाली है, धनिया भी कटा हुआ है इसके अंदर में, धनिया, हींग, जीरा, अजवाइन सब मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है। तो ये हम बना रहे हैं आज मक्की की रोटी और वो भी मूली डाल के। तो ये सारी इसको हम पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि मूली में पानी होता है ना, तो उसको हम मिक्स कर लेंगे, फिर हम उसी हिसाब से इसको मथेंगे। बहुत टेस्टी बनती है रोटी, और एक की बजाय दो खाएंगे भूख के, जब हमें भूख लगेगी ना तो हम एक की जगह दो खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये रोटी। इसमें हींग डाल दी है, सब कुछ डला हुआ है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम आटे को मथेंगे, और मैं इधर रख देती हूँ तवा गरम होने के लिए, क्योंकि ज्यादा देर मक्की के आटे को नहीं रखा जाता। तो मथने के बाद में बस फटाफट से बनाते हैं हम इसकी रोटियाँ। तो मैं मक्की का आटा ऐसे गूंथती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हैं मक्की की रोटी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको बनाते हैं, जो लोग मक्की की रोटी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। मैं तो सादा बनाती हूँ जैसे गांव में बनती है, क्योंकि हम भी गांव के हैं, तो हमें मक्की की रोटी ऐसे करके आटे को गूंथते हैं ना, तो इसकी हम रोटियां पका लें। इसका आटा थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में, तो इस आटे को हमने आराम आराम से मलना है। तो हम पानी, थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, डालते जाएंगे, मलते जाएंगे, डालते जाएंगे, मलते जाएंगे, तो इसकी परफेक्ट एक डो बन के तैयार हो जाएगा, जो हमें बनाने में बहुत आसानी होगी। रोटियां तो हमारी रोटियां एकदम परफेक्ट बनेंगी। चूड़ियों में भी डाल दिया मैंने आटा, तो जितना ये आटा इसको आप ईंछेंगे तो उतना ही आपकी परफेक्ट रोटियां बनेंगी, क्योंकि कईयों की रोटियां देखी हैं मैंने टूटती फूटती हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ये क्या कारण होता है कि इसे हमें ज्यादा मथना पड़ता है, आटे को ईंचते हैं, देखो ऐसी हथेलियों से ये वाला पोर्शन होता है, इससे हम इनको मक्की की रोटियों को बनाते हैं। कई लोग चकले पे रखते हैं, पिन्नी वगैरह से बनाते हैं, तो उनके उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ आटे पे ध्यान देना। ये जो हम हथेली से अपने आटे को मलते हैं ना, तो इससे हमारा आटा एकदम स्मूथ हो जाता है, और इसे बनाने में बहुत आसानी होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेरा आटा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है, इसे हमें बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है। जब आपका आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि हमारा आटा परफेक्ट हो गया है। इधर हमने लगाना है हाथ के ऊपर पानी, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आटे का, और हम इसकी बनाएंगे रोटियां। और इसमें मैंने मूली डाली है, और इतनी अच्छी हींग की इसमें खुशबू आएगी आपको जब आप बना लेंगे रोटियां। तो रोटियां बनाने टाइम फिर थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी को निचोड़ देंगे बिल्कुल हाथों पे, सिर्फ पानी पानी, ऐसे धीरे धीरे आप बड़ी कर लेंगे ना, तो कभी आपकी रोटी खराब नहीं होगी। क्योंकि हम लोगों को तो गेहूं की रोटी बनाने की आदत होती है ना, कई लोगों पर रोटी मक्की की नहीं बनती है, तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप पहले आटे को
अगर आपका आटा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बिल्कुल अच्छे से बन गया है, तो आपकी रोटियां भी परफेक्ट बनेंगी। इसमें मूली है तो ये साइडों से थोड़ा थोड़ा टूट जाएंगी, तो कोई बात नहीं है, खानी है। ये देखो ऐसे मैं हाथों से ही बना रही हूँ, देख लो, कईयों को मैंने देखा है बनाते हुए। बस हमारी रोटी परफेक्ट बन गई है, अब हम तवे पे डाल दें। अगर बड़ी बनानी है तो थोड़ा आटा ज्यादा ले लेंगे, तो हमारी रोटी परफेक्ट बनेगी। तो हम लेंगे ऐसा एक, इसको पलटने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये देखो रोटी हमारी तवे पे से भी उठ के जा रही है, इतनी जल्दी से पक चुकी है, हम इसको पलट देंगे। अब हम दूसरी रोटी भी ऐसे ही पका लेंगे, दूसरी रोटी को भी मैं उठा के ऐसे ही बना लूंगी। पानी से लगाने से इसके जो किनारे हैं वो ठीक रहते हैं, लेकिन इसमें मूली है तो बीच में से हो सकता है ये थोड़े बहुत क्रैक भी हो जाए। अगर आप बिना मूली के और किसी आलू डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। ये देखो मैंने इतनी रोटी इसको बड़ा कर लिया है। अब ऐसे ही हाथों की हथेलियों से, धीरे हाथों से इसको हम बना ले। मक्की के आटे में मूली, आलू या हम खीरा, लौकी ऐसे डाल के बनाते हैं रोटियां, तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर वैसे बनाएंगे तो रोटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये हमारी रोटियां बनके हो गई हैं तैयार, हमने इनको सेक लिया, अच्छे से सिक चुकी हैं, इनमें कोई भी कमी नहीं है। देखो अब हम चारों पांचों रोटियां हमारी जितनी बनी है बन, तो हमारी रोटियां हो गई हैं तैयार। ये दोपहर का खाना है हमारा, तो मक्की की रोटी देखो कितनी मुलायम और अच्छी बन के तैयार हुए हैं ये सब रोटियां, और बिल्कुल अच्छे से। ये है अचार, ये सलाद, ये है मक्खन वाइट वाला, और ये है दाल पालक जो हमने सब्जी बनाई है, तो ये वाली वो सब्जी है। तो ये हमारी रोटियां, इसमें डाली है मैंने मूलियां। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा क्लाउड आ रहा होगा बाहर से आवाज़ सब्जी वाले की, तो उसे इग्नोर करें और वीडियो पर फोकस करें। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए सबको बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जिनको खान रोटियां, मक्की की रोटियां नहीं बनानी आती उनको भी सीखना है तो जरूर बनाएं। जो लोग चकले के ऊपर बनाते हैं, पिन्नी रख के बनाते हैं, उनको बहुत आसान तरीके से, सिर्फ इसका कुछ नहीं करना, आपको आटे पे फोकस करना है कि हथेली की जो रगड़ाई होती है उससे अच्छा आटा मला जाएगा, तो आपकी रोटियां परफेक्ट बनके तैयार होंगी। तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।